किसी की कंप्लेंट ना की, न सिचुएशन की, न किसी बंदे की, न हालात की, कंप्लेंट करना छोड़ दें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। लोगों के अंदर बुराइयां देखना छोड़ दें, आपको अच्छाइयां नज़र आना शुरू हो जाएंगी। देखिए, अल्लाह हकीम है, हकीम हिकमत वाला। आप समझते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे बनाया बगैर किसी मकसद के? हकीम ऐसे होता है? मैं अगर आपको थोड़ा खूबसूरत नज़र नहीं आ रहा तो आपने मेरे पर इतनी बातें कर दी, मुझे बनाया तो उसी मालिक ने है ना जिसने आपको बनाया। हज़रत मूसा ने कहा, अल्लाह ताला मुझे समझ नहीं आती, ये तूने मक्खी क्यों बनाई है? अल्लाह ने कहा, हैरत है, अभी मक्खी पूछ रही थी तूने मूसा क्यों बनाया? मुझे मसला, मेरा दिल करता है सारी दुनिया मर जाए थे, मैं रह जाऊं। लेकिन आप ये देखिए, जब कोविड के दिन थे, जब सारी दुनिया घरों में बैठ जाती थी, कितना सन्नाटा था, कितना खौफ आता था, इन्हीं लोगों की दम से दुनिया। अप्रिशिएट करो, बीमार आदमी को समझो, एक बंदा अगर कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है उसको समझो, रिएक्ट ना करो। घर में अगर आपके कोई बंदा थोड़ा सा, मुमकिन है आपकी उसकी जगह बैठे, मैं ये गुजारिश कर रहा था ना, यहाँ से बैठ के पिक बनाओ और आएगी, यहाँ से बैठो और आपकी पिक भी सच्ची है, उसकी भी सच्ची है, उसकी भी सच्ची है, उसकी भी सच्ची है, इसको अप्रिशिएट करो। मैं इस बात पे आपको बुरा कहता जा रहा हूँ कि यार देखो, मेरी पेके तो इत्थे बैठी सी, तेरी पेके सजे पासे किस तरह बैठी? मेरा एंगल और है, जैसे ही आप मेरे वाला एंगल अपनाएंगे आपकी पिक ऐसी ही आएगी। सो लोगों का एक माइंड सेट है, कंप्लेंट करना छोड़ दो, उसकी जगह शुक्र करना शुरू कर दो। एक मामूली सी बात, मामूली सी बात, भाई ने आप सबको चाय पिलाई है, कितने लोगों ने इसका शुक्रिया कहा? क्या कहते हैं, होना चाहिए? आपका क्या गया? कुछ नहीं, इसको पूछो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। दिस इज ऑल उसकी वजह है, मुझे भी अच्छा लगता है ना, तो जब मुझे अच्छा लगता है वो सबको अच्छा से होगा। तो मसाइल तो सूरत मुनाफिकून आज की नहीं है, हमेशा से।